इंदौर के देपालपुर में स्थानीय 24 अवतार मंदिर प्रांगण में कलेक्टर मनीष सिंह ने किल कोरोना अभियान पार्ट 2 को लेकर सांसद शंकर लालवानी, विधायक विशाल पटेल, पूर्व विधायक मनोज पटेल, सभी विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की। इस बैठक में कोरोना के बढ़ते प्रभाव को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, इस पर सभी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने अपने विचार विमर्श किए। साथ ही कोरोना कर्फ्यू को सख्ती से लगाए जाने पर सभी जनप्रतिनिधियों ने अपनी राय दी। वहीं कलेक्टर मनीष सिंह ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा कार्यकर्ताओं और सहायक सचिव को निर्देश दिए कि जिस किसी भी व्यक्ति में कोरोना के लक्षण दिखे उन्हें स्थानीय कोविड केयर सेंटर में तत्काल दाखिल कराएं। वहीं देपालपुर कोविड सेंटर का अवलोकन भी किया। इंदौर से ब्यूरो राकेश सच्चर के साथ सतीश शर्मा की रिपोर्ट। अभी घरों में ऑक्सीजन लगाना कभी सुरक्षित नहीं रहता है। सबसे पहला है कि घरों में अंदर रहें, लोग बाहर आने के लिए जनता कर्फ्यू का पालन करें। सभी पंचायतों में कोविड केयर सेंटर बनाए जा रहे हैं, अगर किसी को लक्षण आते हैं तो वहाँ पर जाएं। ANM और डॉक्टर्स का रेगुलर विजिट वहाँ पर हम लोग प्लान कर रहे हैं। 2 दिन में सब कोविड केयर सेंटर बन भी जाएंगे। स्वयं को सुरक्षित रखें, क्योंकि घरों में अगर सिलेंडर लगाएंगे और इलाज नहीं लेंगे तो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कई केसेज में बढ़ती जाती है, वो इलाज नहीं होता है उससे। इसलिए सुरक्षित रहना ही सबसे बड़ा सॉल्यूशन है, क्योंकि घरों कोई भी ऐसा प्रोटोकॉल नहीं बोलता है कि अगर आप डॉक्टर के सुपरविजन में बगैर घर में सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं तो सुरक्षित है वो। इसलिए स्वयं को सुरक्षित रखें, आइसोलेशन में रखें। जो कोविड केयर सेंटर हम लोग बना रहे हैं उसको आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्ता आएंगी घरों में, उसमें उसको ध्यान से कॉपरेट करें और कोविड केयर सेंटर का फ़ायदा भी लें और जो भी मेडिकेशन दिया जा रहा है उसको टाइम पर ले रहे हैं। जो होम आइसोलेशन है सर, उनके लिए तो ऑक्सीजन आवश्यक है ना। अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है तो ठीक है, और डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब नहीं किया तो रिस्की है। सर, क्षेत्र की एक बड़ी समस्या रही, जो व्यावसायिक संस्थानों में ऑक्सीजन सिलेंडर थे वही पहुँचाए गए हैं। वो इस समय जितना भी ऑक्सीजन सिलेंडर है वो अस्पतालों में यूज़ हो रहा है और उनका उपयोग मेडिकल ऑक्सीजन के रूप में ही हो रहा है, सही उपयोग हो रहा है। सर, प्रशासनिक अमला भी यहाँ पर, मतलब अभी अभाव है प्रशासनिक अमले का भी सर यहाँ पर, उसमें भी भारी कमी देखी गई है। रवि सिंह साहब को भी फ्री कर रहे हैं, पूरा देपालपुर संभालेंगे, ग्रामीण क्षेत्र संभालेंगे। क्या और स्टाफ, मेडिकल स्टाफ बढ़ाया जाएगा सर? 6 डॉक्टर्स यहाँ के शहर में लगे हुए हैं, उनको प्रयास करेंगे शहर से मुक्त करने का ताकि टीम पूरी हो सके। सर, जनप्रतिनिधियों द्वारा जो दी गई राशि का सर कब तक होगा सर क्रियान्वयन? सर, ऑक्सीजन प्लांट की राशि दे रहे हैं वो, उसमें ऑक्सीजन प्लांट देखना पड़ेगा। अभी जितनी भी सप्लाई है ऑक्सीजन प्लांट की, उसमें विलंब से ही आ रही है, पूरे देश में जो भी एजेंसीज है तो बातचीत चल रही है और सही उपयोग किया जाएगा इनका। ऑक्सीजन प्लांट के रूप में विधायक जी से ही बोला है हमने, यहाँ पर प्रभारी मंत्री जी ने भी दिया है, वही बात कर रहे हैं। जो भी सबसे पहले ऑक्सीजन प्लांट लगाएगा राशि उसमें लगाई जाएगी। स्टाफ भी सतर्क रहना पड़ेगा, जो समझाया जाता है समझना पड़ेगा। अगर वो सतर्कता नहीं रखेंगे, जो समझाया जा रहा है वो नहीं समझेंगे, ये इतने सारे लोगों में ये रोग हो जाता है, उसके लिए कोई भी स्टाफ रखेंगे आप कम। सर, जनता कर्फ्यू के उल्लंघन पर सर क्या कार्रवाई की जाएगी? आज मैंने बोला है कोई उल्लंघन करता है तो उसको सीधे गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। वो तो परिवार के किसी सदस्य का इलाज कराने गए थे, वो ठीक हो गए और वो लपेटे में आ गए। तो ये जो वर्तमान जो कोरोना का जो प्रहार है, हाल ही में अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पूरी कमेटी है, इस पूरे डॉक्टरों की और अधिकारियों की देख रही है, उन्होंने एक बात कही है कि पहले वाला जो फेज था और इसमें अंतर ये है कि पहले हम कहते थे 1 गज की दूरी, अगर कोई बोलता है तो 1 गज की दूरी पे अगर कोई पॉजिटिव होगा तो उसके जीवाणु वो बोलने पे सामने वाले को लगेंगे, तो इसलिए 1 गज की दूरी रखो। पर अब जो ये आया है, इस ये हवा में तैरता है, यानी 1 गज दूरी की नहीं। अगर समझो किसी को यहाँ है और उसने मास्क नहीं लगाया तो वो थोड़ी दूर तक भी जा सकता है, और गर्मी में तो हवा में भी तैलेगा तो किसी को भी लग जाएगा। BMO लापरवाही कर जाते हैं या उनकी टीम लापरवाही कर जाती है और सामने जो टीम बैठी है फील्ड टीम को मिलता नहीं, तो SDM सुनिश्चित करेंगे कि मेडिकल किट बन जाए। जो भी ऐसा संभावित पेशेंट दिखता है उसको तत्काल मेडिकल किट देके बोलिए दवाई प्रारंभ करें वो। उसको कोविड होगा तो भी शुरुआत में दे देंगे तो ठीक हो जाएगा, कोविड नहीं भी होगा तो भी जो लक्षण उस अन्य बीमारियों के कारण होंगे वो भी ठीक हो जाएगा। तो तत्काल अपने को दवाई किट देना है, उसकी जो ANM से कॉर्डिनेट करके आपको उसकी टेस्टिंग सैंपलिंग टेस्टिंग करानी है उसकी, और साथ ही साथ पूरा स्क्रीन करना है सभी परिवार वालों को, सभी घरों में किसी और को तो लक्षण नहीं है। दूसरा काम इसके साथ साथ आपको ये भी करना है कि जब आप एक एक घर जाओगे तो आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि कौन से ऐसे लोग हैं जो संभावित पेशेंट्स हो सकते हैं, उनको हर पंचायत में एक आइसोलेशन केंद्र बनाया जा रहा है। कहीं मैंने आदेश जारी किया है, CEO जिला पंचायत हिमांशु जी जो भी बता रहे थे आपको शायद ब्रीफ किया होगा,
हर पंचायत में एक आइसोलेशन केंद्र जो कोविड केयर सेंटर के रूप में जाना जाता है वो बनाया जा रहा है। छोटी पंचायतों में 20 बिस्तर का बनेगा, बड़ी पंचायतों में 30 बिस्तर का बनेगा, और जो नगर पंचायतें हैं देपालपुर टाइप की यहाँ पर 100 बिस्तर का बनेगा, और जो छोटी नगर पंचायतें वहाँ 50 बिस्तर का बनेगा। इस प्रकार का हम लोगों ने मेंशन किया है ऑर्डर में। तो जो भी संभावित पेशेंट दिखते हैं आपको, सर्दी खांसी जुकाम फीवर है, उनको आपको आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा, तो आप वहाँ पंचायत सचिव के माध्यम से GRS के माध्यम से उनको उस आइसोलेशन केंद्र जिसको कोविड केयर सेंटर का रूप भी दिया है, क्योंकि उसमें दोनों तरह के पेशेंट रहेंगे। जब आप संभावित पेशेंट को वहाँ शिफ्ट कराएंगे तो सभी प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी कलेक्टर साहब ने बहुत विस्तार से आपको स्थिति की गंभीरता के बारे में बताया है, और ये भी बताया है कि किस प्रकार हम इस महामारी से लड़ सकते हैं। ये जो चार बिंदु कलेक्टर साहब ने बताए हैं उनका अक्षरशः पालन किया जाना हम सबका इस वक्त कर्तव्य है। पॉजिटिव पेशेंट्स जो रहेंगे उसको दैनिक रूप से डेली देखने की जिम्मेदारी ANM अथवा वहाँ का जो भी डॉक्टर रहेगा, PMO जिसको बोलेंगे, उसकी जिम्मेदारी रहेगी डेली जाके देखे उनको। कुछ कुछ केसेस में PMO साहब आपको इंट्रावेनस में इंजेक्शन देना है, स्टेरॉइड देना है, आपको एंटीकोगुलेंट देना है, जो ब्लड क्लियर रहता है उसको भी आप दे सकते हो वहाँ पर। अगर आपकी ANM में कॉन्फिडेंस है कर सकते हो, उसकी फ्रीडम है आपको। आप कोविड केयर सेंटर में एक ड्रिप स्टैंड लगा ग्रामीण के लिए स्थान रखा है ताकि ग्रामीणों को हम आइसोलेशन में रख सकें, और दूसरा अगर आवश्यकता पड़ी तो जो शासकीय अस्पताल है वहाँ जो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं वहाँ निःशुल्क इंजेक्शन दिए जाते हैं, तो जब आवश्यक लगती तब तक दिए जाएंगे। होम आइसोलेशन वालों के लिए हम अलग से व्यवस्था कर रहे हैं ताकि जो घर में इलाज करा रहे हैं व्यवस्था हो सके। कहीं ना कहीं साफ दिखता है पक्ष और विपक्ष का मामला, BJP कांग्रेस कहीं ना कहीं जहन में है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये दौर ऐसा है इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। आम लोगों को कैसे सुविधाएं हो, जल्द से जल्द कैसे मुहैया हो सकती हो, जैसे ही मेरे संज्ञान में आया मैंने लेटर जारी किया। मैंने आज समीक्षा मीटिंग के अंदर बाकी 34 नगर पंचायत और भी थी वहाँ भी 25-25 लाख रुपये देने की बात भी कही, लेकिन कहीं ना कहीं साफ दर्शाता है कि भेदभाव देपालपुर के साथ बड़ा हो रहा है। महामारी और मैंने विशेष रूप से वहाँ पत्रकार बंधुओं का जिक्र कहा है, तो इसीलिए किया था कि आप और हम सब मिलकर के सख्ती करें, और जो लापरवाह लोग लापरवाही के रूप में बाहर घूम रहे हैं, जो बिना आवश्यकता के, बिना कारण के, बिना जरूरी काम के वैसे ही घूम रहे हैं, सिर्फ माहौल देखने के लिए निकल रहे हैं, उन लोगों पर सख्ती होनी चाहिए। और यह सख्ती की आवश्यकता है क्योंकि इस महामारी से निपटने के लिए हम सबको एकजुट होकर के लड़ाई लड़ना पड़ेगी इस कोरोना से। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।